सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कपिल शर्मा का शो अब टीवी पर नहीं आएगा। ये कुछ दिनों का ब्रेक है या लंबे समय के लिए, इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। फिलहाल मुद्दा ये है कि शो के बंद होने के पीछे वजह क्या है। अब इस वजह का पता चल चुका है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इस वजह का नाम है राजीव ढींगरा। राजीव कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म फिरंगी के डायरेक्टर हैं। सुनिए, ग्रोवर के शो छोड़ने के बाद कई शो का अहम हिस्सा रहे कई कलाकार भी इस शो से अलग हो गए थे। इनमें अली असगर और सुगंधा मिश्रा भी शामिल हैं। इसके बाद जब शो की टीआरपी पर असर होने लगा तो राजीव ढींगरा को शो का क्रिएटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि राजीव टीम को कंट्रोल नहीं कर पाए। डेडलाइन पूरी नहीं हुई, स्क्रिप्ट समय पर तैयार नहीं मिली, इससे शो की क्वालिटी पर असर पड़ा और टीआरपी और भी ज्यादा गिर गई। कहा जा रहा है कि टीम के कई लोगों को राजीव बिल्कुल पसंद नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि शो की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आ रही है कि टीम के ज्यादातर लोग जहां राजीव को शो में नहीं चाहते थे, वही कपिल चाहते थे कि राजीव ही शो के डायरेक्टर रहें। वैसे बीते दिनों आई खबरों की माने तो शो के बंद होने की वजह खुद कपिल शर्मा ही है। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी है। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन तक कई बड़े सितारों को शूट के लिए बुलाया और फिर उन्हें इंतजार कराकर वापस भेज दिया। इन सब बातों का शो पर नेगेटिव असर हो रहा है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे एक बड़ी वजह राजीव ढींगरा भी है। अब देखना ये होगा कि कपिल का ये शो कुछ समय के लिए ही ऑफ एयर हुआ है या फिर कपिल अब सारा ध्यान फिल्मों पर ही लगाना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।